तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मामला है। इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास है। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरी जायजा लिया गया है। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन का इजलास कल सुबह 11 बजे दोबारा तलब किया गया है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे वकार सैयद से। वकार, कल सुबह 11 बजे दोबारा इजलास तलब किया गया है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन का अहम हंगामी इजलास जो है वो हुआ है, जिसमें जो पांचों मेंबरान सेक्रेटरी और इसके अलावा जो दीगर विंग्स के अफसरान थे, जिसमें डीजी लॉ भी जो है वो शरीक थे। और जराए के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं उनकी जानिब से जो फैसला है उस पर तफसीली ब्रीफिंग जो है वो कल सुबह 11 बजे जो है वो तलब की गई है। और उस 11 बजे के इजलास में जो इलेक्शन कमीशन के हिस्से में यानी जो ऑपरेशनल पार्ट है उस पर जो है वो गौर किया जाएगा। और उसके अलावा जो जो फैसले में दीगर निकात लिखे गए, जिसमें इलेक्शन कमीशन को पाबंद बनाया गया कि वो सदर मुमलिकत और इसके अलावा जो गवर्नर है केपी, उनसे मुशावरत करे, उस जमन में भी जो अमली इकदाम उठाने हैं उससे मुतल्लिक भी जो है फैसला लिया जाएगा। यूं जो कल का इजलास है वो उस हवाले से अहम होगा कि इलेक्शन कमीशन ने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर इलेक्शन कमीशन की क्या जिम्मेदारियां हैं और उसको कैसे निभाना है उसकी जो है वो तयन होगा। और इस इजलास में ये भी फैसला लिया जाएगा कि आया सदर मुमलिकत और गवर्नर्स को हैं, और ये तवक्को भी की जा रही है कि कल इजलास के फौरी बाद जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकार, हमें आगाह कर रहे थे।